में शराबबंदी सफल हो इसके लिए सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने खूब जोर लगा दिया है। हर कुछ यानी कुछ दिनों में नए प्रावधान, नए फरमान लाए जाते हैं। शराबबंदी को लेकर एक और नया फरमान इस वक्त आया है, इसको लेकर अब राज्य में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कोशिश की गई। प्रदेश में संपूर्ण शराबबंदी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ये सबसे अहम प्रोजेक्ट रहा है। सरकार के इस अभियान पर लाख सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अडिग हैं। इस मुद्दे को लेकर लोगों को सड़कों पर लगाए गए इन पोस्टर्स के जरिए जागरूक किया जा रहा है। अब इसको लेकर नया फरमान आया है, ये फरमान भी पोस्टर से जुड़ा है। इस नए फरमान के तहत पहली बार शराब पीने पर जुर्माना देकर छूटे लोगों के घर के बाहर चेतावनी भरा पोस्टर लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर एक साल की सजा होगी। फरमान आ गया है, अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी जेडीयू के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। स्वाभाविक है, जब जो शराब पी के पहली बार पकड़े जाएंगे तो वो छूट तो जाएंगे कानून की नजरों में, लेकिन एक सामाजिक पाप जो उन्होंने किया, उनके घर वाले, उनके पड़ोसी भी जानेंगे कि शराब का सेवन किए हैं, तो उनके घर पर इश्तेहार चिपकेगा। सबसे पहले तो इनका जो पुलिस है उसके पीठ पर छपवा दें या टोपी में लिखवा दें कि हम शराबियों को शराब बेचवाते हैं, तो शायद उससे कुछ हाया हो तो शराब कम आए। दरअसल सरकार को ये रिपोर्ट मिल रही है कि अप्रैल से संशोधित कानून के तहत 50,000 से ज्यादा लोग जुर्माना देकर छूट गए हैं। ये लोग दोबारा फिर वही जुर्म कर रहे हैं। यही वजह है कि शराबबंदी को लेकर नया फरमान जारी किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस फरमान से कुछ बदलेगा, क्या शराबबंदी पूरी तरह लागू हो पाएगी? स्थिति तो जो है मोर और लेस वैसे ही रहेगी। शराबबंदी को इन्फोर्स करना एक कठिन चुनौती है। शराबबंदी सिर्फ कागजों में है, हकीकत में ये जमीन पर नहीं उतर पाया है। नीतीश सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं, लेकिन सरकार पूरे मुद्दे पर हार मानने को तैयार नहीं। सबको देखा बारी बारी और इस बार पोस्टर चस्पाने की पारी। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह कोशिश है कि किसी तरीके से बिहार में शराबबंदी को पूर्णतः सफल बनाया जाए। 2016 से अब तक ये शराबबंदी कई कारणों से चर्चा में रही है, कभी तस्करों को लेकर, कभी शराब को नष्ट करने को लेकर, कभी शराबियों के कारण, कभी शराबियों की लग रही लाइन के कारण, तो कभी सरकार के नए नए प्रावधान के कारण। इस बार पोस्टर चर्चा में है, अब देखना यह है कि यह नया प्रावधान बिहार में शराबबंदी को कहां तक सफल कर पाता है। वीडियो जानकारी सचंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।